अकेली हो गई है। ये ओम प्रकाश ना अभी मुझसे लड़ रहा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो गायब ही हो गई, लेकिन मैं यही हूँ। मैं थोड़ा बिजी थी, कुछ पर्सनल काम थे, कुछ ऑफिस के काम से, उन सब में मैं इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी कि मुझे ब्लॉगिंग के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, बिकॉज आई एम नॉट अ फुल टाइम ब्लॉगर। दो आई रियली लाइक डूइंग इट, बिकॉज दिस इज समथिंग आई रियली वॉन्टेड टू डू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो आई स्टार्टेड आई थॉट वाई नॉट गिव इट स्टार्ट, बट मैं एक फुल टाइम ब्लॉगर नहीं हूँ। आई वर्क ऑल्सो, सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम। जब ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आई डोंट जनरली गेट टाइम टू डू दैट। और प्लस मेरी बहन की इंगेजमेंट थी, शी इज़ इंगेज नाउ, शी गॉट इंगेज इन डिसम्बर, ऑन 6th of December शी गॉट इंगेज। सो वो भी था, बट उसकी वीडियो भी मैं डालूंगी, थोड़ा बहुत मैंने बिट्स एंड पीसेज में आई हैव रिकॉर्डेड। बट ऑब्वियसली मैं बड़ी बहन हूँ और मुझे इतना ज़्यादा काम था उसकी इंगेजमेंट में, तो आई कुड नॉट डू इट। ऑल्सो आज मकर संक्रांति और पोंगल है, तो हैप्पी मकर संक्रांति एंड पोंगल टू एवरी वन। एंड वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग इट टुडे बिकॉज हमारे यहाँ कुछ ग्रह नक्षत्र और वो सब के हिसाब से आज शाम के 8 बजे के बाद इट इज़ स्टार्टिंग। सो वी विल बी सेलिब्रेटिंग इट ऑन 15th of January। एंड अभी मैं रेडी हो रही हूँ, आई एम गोइंग फॉर डिनर, घर के पास में ही, क्योंकि अभी कोविड टाइम से तो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। एक बगल में ही एक नया साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खुला है जो कि ओम को बहुत पसंद है, इट्स लाइक इट्स हिज फेवरेट, एंड ही घर के जस्ट बगल में खुला है, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे हम कहीं जा नहीं सकते, सैटरडे संडे बैंगलोर में फुल लॉकडाउन है, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है अभी चल लेते। 5 बजे ऑफिस ख़त्म हुआ, फिर अब मैं रेडी हो रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोग से बात करते करते मैं रेडी हो जाऊँ। मैं ज़्यादा रेडी नहीं होती हूँ क्योंकि मतलब मेकअप करने का इतना मतलब भी क्या है ना, अभी एक तो मास्क पहन के रहना होता है, दूसरा ऐसा होता है कि दिखता है नहीं, मतलब मास्क में सब पुछ जाता है और फिर मास्क भी गंदा हो जाता है, दूसरा आई एम नॉट अ वेरी बिग मेकअप गर्ल, मुझे उतना ज़्यादा नहीं आता, बट बेसिक। सो ये है मॉइस्चराइजर जो मैंने लगाया, मैंने फेस वॉश करने के बाद सबसे पहले रोज़ वाटर लगाया, फिर दिस इज़ द मॉइस्चराइजर दैट आई यूज़, आई जस्ट लव इट, मतलब इससे कुछ फील नहीं होता। सिंस आई हैव पोर का प्रॉब्लम तो आई एम यूजिंग दिस पहले, देन आई विल अप्लाई द फाउंडेशन, थोड़ा बहुत बेसिक, क्योंकि आप लोग देख सकते हो मुझे बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं। आई एम ऑल्सो यू नो थोड़ा बहुत डीलिंग विद हेल्थ इश्यूज, इसलिए भी आई वॉज गायब, क्योंकि यू नो जब आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड देन यू आर नॉट इवन मेंटली स्टेबल, और बीइंग अ फीमेल तो हार्मोनल इम्बैलेंस इन ऑल दोज थिंग्स, सो या। सो ये मेरा गो टू पाउच है जिसमें मैं अपना गो टू मेकअप रखती हूँ, क्योंकि अगर मुझे कहीं जाना वाना होता है, जनरली हम हमेशा जाते रहते हैं अपने दोस्तों के यहाँ, एंड इसमें जो चीज़ें ना मैं बस वही यूज़ करती हूँ मोस्टली 90% टाइम। सो दिस इज़ द फाउंडेशन दैट आई यूज़ बिकॉज मेरा स्किन इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव, तो ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा सूट करती है, तो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, थोड़ा चाहिए होता है कवरेज के लिए, बट इतना कुछ चाहिए नहीं अभी। थोड़ा सा डिनर के लिए जा रहे हैं, वो भी एकदम घर के पास, मतलब बगल में, इट जस्ट दैट कि यू नो कोविड टाइम्स है और अभी फिर से लॉकडाउन और ये सब शुरू हो गया है, वीकेंड में लॉकडाउन रहता है तो आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो यू डोंट रियली यू नो गेट द टाइम टू ड्रेस अप। सो आई रियली वॉन्टेड टू ड्रेस अप बिकॉज इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव ड्रेस अप, मतलब होता है ना कि आप थोड़ा सा तैयार हो, आपको अच्छा फील होता है, अपने बारे में भी अच्छा फील होता है, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू गेट रेडी फॉर समबडी एल्स और द सोसाइटी, यू जस्ट समटाइम्स यू नीड टू यू नो गेट रेडी ड्रेस अप फॉर योर सेल्फ, मेक्स यू फील गुड अलाइव। सो मैं जल्दी से ब्लेंड कर लेती हूँ, मेरा मिरर इधर है तो पहले कर लेती हूँ फिर बात करती हूँ। फाउंडेशन लगा लिया मैंने, अच्छे से ब्लेंड हो गया, नाउ स्टूडियो फिक्स। मेरा शेड कौन सा है, NC41 उधर लगा लेती हूँ, मेरे इधर है तो ये हो गया। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगी, एक काजल लगाऊंगी क्योंकि दैट्स माय फेवरेट,
आईज आर डन. दिस इज हाउ आई लाइक टू डू माई आईज. नाउ आई विल गो फॉर अ के ब्यूटी का दिस इज द न्यू लिपस्टिक. तो फर्स्ट आई विल अप्लाई द लिपम. लिपम पे जाती हूँ. दिस इज माई ऑल टाइम लिप बाम निविया. सो दैट्स इट. आई एम ऑल डन. लाइक आई डोंट वॉन्ट टू डू टू मच बिकॉज जस्ट घर के बगल में जा रहे हैं एंड आई डोंट नो कि लोग वहाँ पे कितना तैयार होकर आते हैं. और प्लस आई एम फीलिंग लेजी ऑल्सो डूइंग मेकअप. ओके, दिस इज द पाउच दैट आई गॉट एज अ दिवाली गिफ्ट. मेरे ऑफिस से मुझे अभी मिला था एक ये पाउच था जिसको मैंने अपना मेकअप का पाउच बना लिया है क्योंकि दिस इज सो कन्वीनियंट एंड अच्छा. और उसके साथ एक बॉटल थी, कुछ मास्क थे, एक फिटनेस वॉच थी पेबल की. सो ये सब कुछ मिला था. तो दिस आई रियली मीन लाइक, तो ये इसको मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर रही हूँ. सो अभी मैं फटाफट चेंज करके आती हूँ, उसके बाद मैं बाल बनाऊंगी क्योंकि बाल बनाने के बाद फिर कपड़ा चेंज करो तो पूरा खराब हो जाता है. तो मैं आती हूँ. तो मैं रेडी हो गई. बाल मैंने ऐसे बनाए हैं. मेरा बैटरी लो हो गया था फ़ोन का इसलिए मैंने उसको चार्ज में लगा दिया था इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई. और दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग. आप लोग मुझे बताना कैसी लग रही हूँ मैं. ओम इज ऑल्सो वेयरिंग ब्लैक. ओम इधर आना, पीछे आना. वी आर ट्विनिंग. पूरा दिखाती हूँ. ओम इज लुकिंग वेरी हैंडसम. तो सर टकलू है बट ठीक है. हाउ डज इट मैटर. ओके बाय. अब हम लोग पहुंचने वाले हैं सामने थोड़ा सा आगे. उधर उधर दिखा दिखा ना. यस मुझे दिखा. देखो हम लोग पहुंच भी गए. हार्डली 10 मिनट लगा हूँ. 5 मिनट. जिस घर के बगल में ही है. दिस इज वेयर वी हैव कम. शिव सागर. ये ओम का फेवरेट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है. ये अभी नया खुला है हमारे घर के बगल में. पहले यहाँ पे नहीं था. ये हम लोगों ने परसों देखा क्योंकि हम लोग मार्केट आए थे तो देखा अरे नया रेस्टोरेंट खुला है. क्योंकि इतने दिनों से कोविड और ये सब की वजह से बाहर ही नहीं निकलना होता है. सो चले अभी उसको निकाल लेने दो, वहीं पे पार्क करेंगे. अच्छा कॉर्नर में इधर. This is the restaurant. You can take mine. क्या कर रहे हो. मैंने उल्टा मास्क पहन लिया है. अभी देखा मैंने. यहाँ हाथी है. हाथी का. और यहाँ हाथी के साथ ही है. सबको बैक है. चलो खाना ऑर्डर कर लेते. क्या खाओगे आप. क्या खा रहे हो आप. टोमेटो सूप पीने का सोच रहा हूँ. किलो. मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरा थाली खाऊं अगर होगा तो. थाली लंच में मिलता है. तो डिनर में कुछ तो रखते होंगे. हो सकता है. मेन्यू आने दो फिर मैं देखती हूँ. नॉर्थ इंडियन क्यों खाऊंगी मैं यहाँ. साउथ इंडियन खाऊंगी. बड़े दिनों बाद सीमो सूप. कैसा है बताओ. मीठा है. अच्छा है. मीठा कर दिया ना आपने. आपको पता है ना कि मेरे को मीठा पसंद नहीं है. ये मेरा खाना कहाँ नहीं ला रहा है. भूख लगा. एक नंबर की भूखड़ हो.
सुबह से आप कुछ खाए ही नहीं हो, व्रत रखे हो? लंच के बाद से कहा, ब्रंच के बाद से कहा खा लिए हो? इट वाज नॉट ब्रंच। कुछ तो आप खाए पड़े थे। कुछ नहीं खाया। ये आदमी ना, ये वो आदमी है जो कितना भी खाए भूखा ही रहता है। ए, कुछ खिलाती तो आया नहीं। तो आप खुद ही इतने सेल्फ सफिशिएंट हो, खुद ही खा लिया करो। किसने हाथ पकड़ के रोक देती हूँ क्या मैं? यस टुडे मुंह पकड़ दिया था मेरा। तो मैंने बोला कि अभी बाहर जा रहे हैं तो अभी तुरंत खा के वहीं पे पेट भरने का क्या लॉजिक बनता है? खाना था। अब सूप पिया ना आपने, सब्र रखो तो सब्र मत बने। वो कर दिया है आपको ना, आग में घी का काम कर दिया है। बहुत फिट हो गया। ओके तो मेन कोर्स डिसाइड हो गया ना हमारा? ठीक है, मेन कोर्स हमारा डिसाइड हो गया। क्या करूँ, मेरा ही ब्लॉग, नोबडी एवर रिकॉर्ड। यू आर ब्लॉगिंग, यू आर नॉट ब्लॉगिंग योर सेल्फ, यू आर द कैमरा मैन। यू आ गया, हमारा हमारा टिका आ गया, हमारा टिका आ गया, हमारा टिका ले ले, हमारा टिका आ गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उनके चेहरे की खुशी। ये मेन कोर्स का दे दे ऑर्डर। चेहरे की खुशी देख रहे हो आप लोगों की? ए, मेन कोर्स दे दी आपको, क्या क्या था? एक तो काजू मसाला था, मेन कोर्स दे दो। एक काजू मसाला, उसको थोड़ा स्पाइसी रखना, स्पाइसी आज लहरेगा मुँह। एक बटर रोटी, एक गार्लिक नान, दाल भी बोलना था ना, दाल टॉप में था, इसमें था टॉप में था। ये देखो दाल फ्राई है, दाल पालक है, दाल तड़का, दाल मखनी, दाल तड़का ना, दाल दो कड़ी ज़्यादा हो जाएगा, दो कड़ी ज़्यादा नहीं होगा, दो कड़ी ज़्यादा हो जाएगा। दाल रहने देते हैं, चावल तो ले नहीं गए। ठीक है, खाली दाल, दाल फ्राई, दाल तड़का। नो नो नो, दाल फ्राई दाल तड़का नहीं है। एक काजू मसाला है, वन बटर रोटी, वन गार्लिक नान। हाँ, और एक कर रहे थे दाल तड़का, तो ज़्यादा नहीं होगा? ए, ठीक रहेगा ना, ज़्यादा तो नहीं होगा। दो आदमी के लिए एक करी बस है, एक करी बस है दो आदमी। हाँ, तो फिर दाल हटा दो आप, सिर्फ काजू मसाला और एक बटर रोटी और एक गार्लिक नान। चलो कहाँ चले? चलो खाएं, और क्या खाओ, फिर लगा दो कैमरा को। टेक अ बाइट। हाँ रुको, मैं पहले टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। ठीक है, भूखे इंसान को रुक के खुद टेस्ट कर रही है, क्योंकि आप पे ना मुझे भरोसा है नहीं। आई एम द ब्लॉगर, तो आई विल हैव टू टेल द ऑथेंटिक टेस्ट। लेट मी टेल यू गाइस कि कैसा है। दिस इज गुड, गुड जॉब। अब खाते हैं, लेट मी कैप्चर दिस मैन। कैसा लगा? स्वाद है, पनीर अच्छा है। पनीर इज़ गुड टेस्टी। चलो हम लोग खा लेते हैं बेटे, पनीर टिक्का सारा ख़त्म। यार मेरा तो पेट ही भर गया है, बस कर दो, कुछ नहीं बचा है, बस कर दो। ये सब रिकॉर्ड करके ब्लॉग में डाल दूँगी। चमचा चाट रहे हो धोखा दिया तुमने, गाजर का हलवा। कहाँ धोखा दिया यार, वो आपने उसको कद्दूकस किया ही नहीं। आप उसको कद्दूकस करोगे तब बनाऊंगी। आ गया, आ गया, शायद ये हमारा है, शायद ये हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा, यस हमारा है। ये मस्त वाला गार्लिक नान, गरमा गरम।
गार्लिक इधर दे दीजिए। अरे मस्त कटा हुआ है, स्कर्ट जैसा, स्टार ट्रेक जैसा है। थैंक यू, खाइए, टेस्ट करिए और रिव्यू बताइए। बट सबसे इंटरेस्टिंग इसका ये है, यह है स्टार ट्रेक सिंबल। अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं पहले टेस्ट करके बताऊँ? यस जरूर। ठीक है, मेरे को ले रहे हो? गजब बटर दिया है, है ना? भर दिया, तुम बटर में डिप कर रही हो? नहीं, ठीक है मैं बताती हूँ टेस्ट करके। ओके, काजू मसाला इज ओम्स फेवरेट सब्जी। ये तुम्हारा भी फेवरेट है? नहीं, मेरे को उस शॉप का या फिर उसका एक पसंद आता था, मथुरा सागर। इसका भी अच्छा लगेगा। ओके, सैटिस्फाइंग। चलो देख, बटर तो गजब लगा है, जेनरसली बटर लगा है। कैसा लगा? एक्सपेक्टेशन जैसा अच्छा, पसंद आया। चलो अब मैं आप लोग से खाना खा के मिलते हैं हम लोग, है ना? डिजर्ट के टाइम मिलते हैं, अभी हम लोग अपना डिनर फिनिश करते हैं। आई एम ऑल डन, ओम स्टिल ईटिंग। ओम, डिजर्ट का जगह है पेट में? डिजर्ट कैंसर, आग बुझ के बाढ़ आ रहा है। मैं तो फिंगर बोल भी आ गया, मैं तो अब कुछ नहीं खा सकती। मज़ा आया, पुरानी यादें ताज़ा हुई, कॉलेज टाइम्स की आपके, तुम्हें याद आया, हमें मज़ा आया। लेकिन हम, मेरे को तो मज़ा आया चाहे नहीं आया, हम यहाँ आए थे आपकी यादें ताज़ा करने, आपको नॉस्टैल्जिक फील करने था। हाँ। प्लस आपको ये था कि मैं अपने कॉलेज टाइम के रेस्टोरेंट में तुम्हें खिलाऊंगा, मुझे अच्छा लगा खाना, आई लाइक इट, आई विल कम अगेन। ठीक है, तो क्या करना है, डिजर्ट करना है? नहीं ना, तो फिर पोलर बियर से मैं आइसक्रीम लेके चलेंगे। मैं तो खाऊंगी नहीं, पार्सल लेके जाऊंगी, आप खा लेना, आपको मिलूंगी तो। ठीक है, पार्सल ही कर लेना, है ना, रात को बैठ के खाया जाएगा। ठीक है, चलो आप खा लो, हमेशा आपके साथ, हमेशा आपका पेट भर जाता है, ओवर ईटिंग हो जाती है। चेंजिंग होने का जगह नहीं बचता। आपको सोडा पीना है? ना। नहीं ना, रेस्टोरेंट पूरा खाली हो गया बिकॉज लॉकडाउन का टाइम है ना, आज फ्राइडे नाइट है तो रात को 10 बजे से, रात 10 बजे से है ना, 10 बजे से मंडे सुबह 5 बजे तक, मंडे सुबह 6 बजे तक, इट्स ऑल लॉकडाउन। दो लेट्स गो, दैट इज सो क्यूट शॉप। कौन सा खाओगे? मैं तो अपना बोलूंगी, आप क्या खाओगे? बोलो ना, देखने दो।
काइंडली सी पवन गजक। जीवन में सफलता मिला तो कौन सा तुमको चाहिए? बिल्कुल चाहिए क्या? खुला लूज पैकेट उनको ना वो बता रहे हैं ना। इधर इधर देखो देखो वो चौड़ा वाला वहाँ है वो नहीं लो ये पापड़ है तिल पापड़। हाँ गजक लेने आई हो ना नहीं ले गया हूँ घर में यस को ले रही हो तुम चकली पकली ले लो ठीक है पीनट कैंडी ले लो और कुछ नहीं कुछ नहीं लेना है पैसे उड़ाने की जरूरत नहीं है नो फाइनली फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है शॉप से सिर्फ एक आइटम लेके जा रही है देखो अटकी पड़ी है कुछ ना कुछ ना यू डोंट नीड बाय वन गेट वन चलो ये ऑकवर्ड हो रही है कि मैं एक सामान कैसे लेके जा रही हूँ इतनी बड़ी दुकान से कुछ भी खरीदना है ले लो क्यों नाचना है तुमको यहाँ दरितोस हैं वो वाला नहीं है ले लो तुम्हें जो लेना है ले लो तुलसी ग्रीन टी ले लो ना तुलसी ग्रीन टी एक जैस्मिन लेते हैं मुझे स्टारबक्स से दो फ्री मग मिले मैं आप लोग को दिखाती हूँ घर चल के चलो हो गया चलो बिल कराती हूँ I am all done. Let's go to Gaddi. Yay, thank you. Welcome. You finally bought me gajak. आप लोग ये बताओ यार साल में एक बार आता है मकर संक्रांति और मुझे गजक इतने पसंद है और एक ही बार आते हैं साल में तो मैं कैसे नहीं खाऊं है ना ताना नहीं मारती तो मिलता नहीं है मेरे को। मुझे गिफ्ट किया है ओम थोड़ा सा ऐसा पास आके दिखा दो
इसकी है। कल ना कल मैं करूंगी इससे, कल आई विल डू एंड आई विल शो इट टू यू गाइस। तो अभी फिलहाल मैं बस यही दिखा रही थी, उसके बाद ना ये दिखा दिया मैंने दिस वन, और अभी बचा है कल जो मुझे दो मार्क्स मिले हैं गिफ्ट, और एक शॉपर भी मिला है, वो पहले मिला है उससे स्टारबक्स से, वो भी दिखाती हूँ। बहुत पैसे उड़े हैं स्टारबक्स में, गिफ्ट तुम्हारा है, मेरे से तो पैसे उड़े हैं। क्यों इसमें आप नहीं पियोगे क्या कॉफी? तो ये वाले दो मिले हैं मुझे, मेरे पास एक और है पहले से, तो दिस इज द कॉफी दैट वी बॉट, हमारा खत्म हो गया था इसलिए। तो हमने इस बार नया लिया है ये सुमात्रा, ये हमने पहले ट्राई नहीं किया, तो ये वाला भी हम ट्राई करेंगे। द अनदर मग दैट इज अगेन, सो वी हैव द सेट। चीयर्स, कल इसमें कॉफी पिएंगे, खूब सारा ब्लैक कॉफी। क्या क्या कहते हो यार, ये कैसे कैसे करके लॉक था ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। छोड़ दो ना, कल पियोगी ही। हाँ, तुमसे होता भी नहीं कुछ, ऐसे नहीं था, उसको ऐसे करो। कैसे था मुझे तो समझ, उसको रोटेट करके रखो। हाँ नहीं, ऐसे इधर 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 इस साइड, डंडी इस साइड रहेगा। किस साइड? डंडी इस साइड रहेगा, और रोटेट करो यार, यहाँ पे इतना ही जगह है, वो ऐसे थोड़े ना रहेगा। हाँ पूरा ओम स्टाइल मारेंगे, इतना ज्यादा स्टाइल मारेंगे जिसका कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, देयर इज नो लिमिट, इतना स्टाइल मारो, ज्यादा मत मारो अभी, और कैमरा मत खिलाओ, प्रूफ हो चुका है। चाबी बंद, चाबी भी नहीं। क्या प्रूफ हो गया है? कभी कुछ बोलना यूट्यूब के सर्वर पे, ये प्रूफ रहेगा। क्या प्रूफ रहेगा? क्या कि खुश मेरी बातें नहीं मानती है और मेरी बातें सही होती हैं। वो शॉपर उठ के दोगे क्या? नहीं ठीक है, मैं लाके देखा। टा 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 टा, स्टारबक्स के पैसे को देखो, इसमें उड़े हैं बहुत पैसे। ये लेकिन मस्त है, आई रियली लाइक इट। ये लेके स्टारबक्स का शॉपर लेके जाऊंगी मैं नीचे बास्केट में शॉपिंग करने। ये देखो तो काफी बड़ा है एंड इट्स वेरी नाइस। 1000 रुपए में दिए हैं, नाइस तो होना चाहिए। सुनो ना, वैसे आप 1000 रुपए की कॉफी पी लेते तब तो नहीं क्लिप करते, बस ये मिल गया है तो इसमें मेरे पैसे उड़वा दिए और अब ये 1000 रुपए का हो गया है ना। वैसे कुछ मिलता नहीं तब सब सही था, और सिर्फ तो मैंने 1000 रुपए की सिर्फ कॉफी पी है, उस समय सिर्फ मोटिव होता था कॉफी पीना। चलो दोस्तों, अभी क्या है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो अभी मैं बस मेकअप रिमूव करूंगी, एक दो एपिसोड देखूंगी कोरियन सीरीज के, उसके बाद में सोऊंगी। So that's it for today's video guys. I hope you enjoyed this vlog, and if you do, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will see you tomorrow. Kyunki main kal bhi ek vlog shoot karungi. Korean vlog ka tum wo kyun nahi banati ho? Makar Sankranti ka. Korean vlog ka tum wo Makar Sankranti. Korean vlog ko review kyun nahi karti ho tum? Main aapko ignore kar rahi hu. Usko review kiya karo. I'm ignoring you. Logon ko pata chalna chahiye ki kya dekhti ho. Ignore.